जय हिंद दोस्तों, आज 1 दिसंबर है और आप लोगों को बता दूं आज का जो फिजिकल चल रहा है चंदौली की चकिया, नौगढ़ और सकलडिया, साथ ही साथ सदर और एक तहसील मिर्ज़ापुर का भी है लालगंज। तो आज टोटल जो अभ्यर्थी हैं फिजिकल के लिए 7328 अभ्यर्थी हैं, जो कि सुबह के टाइम कुछ लोग छठ के जा चुके हैं। और आज का हाइट मैं आपको बता दूं, हाइट जो है आज एक्यूरेट 169 जो नापा जा रहा है, पहले जो था थोड़ा 70+ ही नापा जा रहा था, लेकिन अब इस समय जो अपडेट निकल के आया है 1 दिसंबर है और 4-5 तहसील की भर्ती है। टोटल जो अभ्यर्थी है 7328 अभ्यर्थी जो हैं आज फिजिकल के लिए आए हुए थे, उसमें से कुछ लोग छठ के जा चुके हैं हाइट में। और आज का अपडेट ये है कि एक्यूरेट 169 जिनका हाइट है उनको फिट कर दिया गया है। आज कोई गड़बड़ी नहीं चल रही है। अब फिजिकल में देखते हैं क्या चल रहा है, तो वीडियो में बने रहिए आप लोग। एक भाई हैं जो अभी रनिंग से आए हैं, उनसे कुछ बात करेंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं, तो क्या है? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे सब चिप बांध के दौड़ा रहे हैं, चिप 5 या 10 या 5-20 या 30 पे टारगेट या 5-5 पे रखे, हमको कोई उसने वो सबके मैट पे दौड़ाए, उसके बाद सबके पैर में चिप बांध के दौड़ाए, जो 5 या 10 के अंदर आए उसको क्लोज कर ले लीजिए। ये थोड़ी नहीं है कि थोड़ी नहीं है 1600 दौड़ा के 40 ओपन कर दिए, 4 बच्चे पकड़ लिए, उसके बाद बंद कर दिए। भर्ती का अग्निवीर का 4 साल की नौकरी है और साल भर बच्चे लगे रहे उसमें, इतना तैयारी करें, कोई 15-16-20 बच्चे पकड़ रहा है, ये कोई भर्ती का रोल नहीं है। उसमें चिप, आप चिप लगाइए, बोल दिए उसको चिप लगाइए और चिप लगा के दौड़ाइए। और इस पे क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए 4 साल अगर आपका एज 20 या 21 साल है, अगर आप भर्ती हो जाते हैं, अगर जाने के बाद 4 साल के बाद 25 साल एज होगी, फिर घर पे आ जाएंगे, ना पेंशन है ना कुछ है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? ठीक है, उसके बाद कोई हम बेरोजगारी उसके तरफ से करेंगे, पैसा मिलेगा, कोई बिजनेस धंधा करेंगे, नहीं फिर उसके बाद देखा जाएगा, फिर आगे हम अपना कार्यक्रम करेंगे। और उन नेताओं को क्या कहना चाहेंगे जो एक दिन के लिए मंत्री या कोई भी पद पा जाते हैं, जीवन भर पेंशन से लेकर हर एक सुविधा पाते हैं? नेताओं का सिस्टम अपना पेट देख रहे हैं, युवा का पेट थोड़ी नहीं देख, उसको जब वोट आने लेते हैं तो उसके बाद कहते हैं भैया वोट दो, जब जीत जाते हैं कोई उसका पता नहीं चलता। तो आप लोग देख सकते हैं युवा कितना नाराज है गवर्नमेंट से, इस चीज पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। योगी और मोदी बैठे हैं, वो सोच रहे हैं बस चुनाव आएगा, लगे हैं माया अपना फैलाने, ये छूट कर देंगे। अब आया है, अब 2024 का चुनाव आ रहा है, तो अब इसमें सब क्या नाम है मोदी, इसमें तो भाई यही चलेगा, हिंदू मुस्लिम चलेगा, वोट तो हम लोग हिंदू के नाम पे करते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होता है कि लाभ देने की बात हो, तो ऐसा तो होता नहीं कि हम हिंदू हैं तो हमको रोजगार मिल जाए, ऐसा हो रहा है? कुछ नहीं दे रहा है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर हम हिंदू के नाम पे वोट दे रहे हैं तो हिंदू के नाम पे रोजगार भी तो मिलना चाहिए ना? कुछ नहीं मिला, कोई रोजगार नहीं मिला। महंगाई बढ़ रहा है, ये बताइए, महंगाई बढ़ रहा है, सिलेंडर हो या जो भी हो, महंगाई बढ़ रहा है, तो सिर्फ मुस्लिमों को बढ़ रहा है कि हिंदुओं के लिए भी बढ़ रहा है? सबके लिए बढ़ रहा है, लेकिन चुनाव तो इसी पे अभी होगा। चुनाव सिस्टम योगी जी मोदी जी खराब कर दे रहे हैं ना, चुनाव से हम लोग इष्ट है। बिल्कुल, कुछ भाई का कहना कि हमको चुनाव से क्या लेना है, लेकिन गवर्नमेंट आप बता दीजिए कि गवर्नमेंट जो, सुन लीजिए 1 मिनट, भाग क्यों रहे हैं, इस चीज़ का जवाब भी तो दे दीजिए, गवर्नमेंट में है कौन? हम लोग अगर आई गवर्नमेंट में सब जानते हैं, गवर्नमेंट में अगर बीजेपी आई है तो किसके दम पे आई है, आप बता दीजिए। जनता जिसे चाहिए, ये तो केवल हिंदू को जैसा आई है, केवल हिंदू को जैसे आज गवर्नमेंट बीजेपी आई है ना, बीजेपी कभी 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 जिंदगी में बीजेपी नहीं आती, केवल उत्तर प्रदेश हमारे जो योगी जी आए हैं, बीजेपी को जैसे हिंदू आज को जैसा आए हैं। तो सच्चाई है भाई कि अगर बीजेपी आई है तो हिंदू के नाम पे ही आई है, ठीक है। चलिए यहाँ धीरे धीरे बातें करते करते राजनीति में चले गए, भाई युवाओं का गुस्सा है, तो मैं कुछ बच्चे हैं, चलिए बात कर ले रहे हैं। भाई मैं इस समय वाराणसी जंक्शन के पास में हूँ और एक भाई है जो इनका, आप देख सकते हैं हाइट जो है इनका 170 है, इनका 170 जो है एक्यूरेट इनको ले लिया गया था, तो इनसे कुछ जानेंगे अंदर क्या चल रहा है। तो भाई हाइट कितना नापा जा रहा था अंदर? नॉर्मली 170, कोई इससे मतलब बेसी नहीं है कि 71 है तो आपको 70 नापेंगे, नॉर्मली आपका 70 नाप रहे हैं। और पहले जो था कि हकीकत था कि जिनका 70-71 था, मैं खुद वीडियो बनाया था, बहुत सारे बच्चे जो थे कि 70-71 वाले भी छाँट दिए जा रहे थे, लेकिन आप देख रहे हैं भाई का 170 होगा तो इनको कोई दिक्कत आज नहीं हुई। तो इतना बस बता दीजिए अंदर कितने का बैच बना रहे थे और कितने लोगों को पकड़ रहे थे और कितना समय दे रहे थे? देखिए 250 का बैच बना रहे थे, उसमें 40 लड़के पकड़ रहे थे, मैक्सिमम 30 लड़के। जी
और समय की ना, समय तो जल्दी देखने नहीं दे रहा है, लेकिन बैग ऊपर किए थे तो समय क्या बताएंगे। और बिल्कुल आ जाइए, एक भाई है जो बोला है कि लाठी से मार रहे थे, तो भाई ये तो शुरू से ही चल रहा है कि बेवजह अभी लोग पीट रहा है। ये तो भाई बेवजह एकदम मारा था, कोई दिक्कत आई बजा रहा है फिलहाल से लाठी से मारा था, लाठी जूता सब मारा था, और जो इधर उधर करता था ओके मार के क्यों नहीं ओके घरे भेज देता लाठी से मार के। हाँ कोई में कोई संकोच नहीं बा। तो थोड़ा ये बताइए अग्निवीर को लेके क्या सोचते हैं? अग्निवीर जो आ गया इसमें, हाँ। चार साल एकदम जीरो बड़ा सन्नाटा है, इसका कोई मतलब निकलने वाला, इससे बढ़िया चपरासी नौकरी कर ले। कहा मतलब तू चार साल पाए के मार दे गोली मरिया, कहा मतलब बा बता दे। देख बा वैकेंसी जो इतना पेट फुलाई के दरोगा बैठा बा और टीचर बैठा बा 70 से 1 लाख रुपया लेता, ओके का में हटाओ था ओके हटाओ पेट फुलाई के दरोगा बैठा बा हिलना पुरा के 70 साल की जो सोवा था ओके का रिटायर करके वैकेंसी कहा निकाल कर देता भाई। 40 साल का कर्नल लेके बैठा हो गया, खाली नवयुवक के 4 साल में रिटायर गया था लंच नहीं बदे जीरो बड़ा सन्नाटा बा। गवर्नमेंट के तो जूता हमारे लिए काम बात हम भी हिंदूवादी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई मिला जुला की गवर्नमेंट एकदम जीरो बड़ा सन्नाटा बा। युवा है जो मिला, आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे हैं कांग्रेस से बने रहा भाई। जी बिल्कुल वही मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई 21 साल में अगर भर्ती हो जाता है और 25 साल में रिटायर होके आके करेगा क्या, उसी बात को मैं चर्चा कर रहा था। क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा वो, उसकी जिंदगी लाइफ बेकार, 4 साल बाद करेगा घर पे आएगा बैठेगा। बिल्कुल जो रनिंग करते हैं आप भी जानते हैं, रनिंग करते हैं तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, आप इतना तो जानते हैं। इससे बढ़िया तो बच्चे IAS PCS का तैयारी करे तो उससे अच्छा है, तो 10-20 लड़के से ज्यादा पकड़ नहीं रहा है, 20 के आगे पकड़ नहीं रहा, क्या मतलब है 400-300 बच्चा छोड़ रहा है। 4 महीना कर क्या कर रहा है, 4 साल के बल्ले बल्कि 4 महीना कर दे इस भर्ती को। और ये चीज आप ही लोगों पे लागू नहीं ना, सब पे कर दिया जाए ना, सभी लोगों पे कर दिया जाए। नायक बन जा रहा है उसका है जीवन पेंशन, क्यों पूछता है भारत आखिर बताइए उसका, एक बार विधायक बन गया सांसद बन गया पूरे घर एक सिक्योरिटी, वो जीवन भर जीवन पेंशन पाता का पाता भैया, हम बचे 4 साल बदे जे पाओ तो पेंशन बन। उन लोगों का कहाँ का नियम है, बच्चों को दिया जाए जितने लोग मतलब कि बेरोजगार लोग बैठे हैं, चाहे 4 साल के लिए या तो चर्चा महीना बाद फिर भर्ती उसका दे, तभी बच्चे संतुष्ट रहे। आज आपको बता दूं आज चंदौली का 4 तहसील का भर्ती था और एक मिर्जापुर का भी था ना तहसील का, लालगंज का हाँ मिर्जापुर लालगंज से। हाँ तो यही युवाओं का यही आवाज है भाई, सबका कर दिया जाना तो सही रहे, या तो जिला भाई जिला करे भर्ती, इसे चंदौली जिसमें शामिल जिला भाई जिला करे भर्ती ना, ये तहसील भाई तहसील ना करे भर्ती, जिला भाई जिला भर्ती होना चाहिए। सारे हम लोग कलुआ बोला, मैं कलुआ दिख रहे हैं मैं चौथ को बैन चौथ को। आप खुद चेहरे देख सकते हैं कहाँ आप काले दिख रहे हैं। अरे भाई कलुआ क्या बोल रहा था साला मराठी, उसका क्या नाम है नेपाली थापा है थापा सर। आप भी GT में गए थे, हाइट फिट हो गया था नहीं तो आपका 68 होगा भाई, क्यों इसमें 68 होगा क्यों। चलिए वीडियो में बने रहिए, आपको जो भी अपडेट मिलता है तो आपको जरूर देंगे। जी बच्चों का ना हाइट में कोई दिक्कत नहीं है, हाइट 1.69 है तो 69 ले रहा है, हाइट बहुत अच्छा ले रहा है, हाइट में कोई दिक्कत नहीं बच्चों का। मैं रनिंग में 5 में क्लोज कर रहा है बच्चा, 20-25 बच्चा पकड़ रहा है, फर्स्ट ग्रुप में कोई बच्चा नहीं पकड़ा, 2 ग्रुप में पकड़ रहा है। तो इनका कहना है कि समय एक्यूरेट नहीं दे रहा है, समय जो है एक समान नहीं दे रहा है, समान नहीं दे रहा। जी जी तो आके इस चीज को बोल सकते हैं ना, क्या दिक्कत है आइए बोल इनका। ठीक है एक भाई जो है वो कह रहे हैं कि जिनका सेटिंग है उनका फिट हो जा रहा है, तो इन्हीं से सुन लेते हैं। जिसका सेटिंग है उसका खूब VIP सीट हो रहा है जा रहा है, जिसका नहीं सेटिंग है वो चाहे कितना भी करके जा रहा है उसका कोई मतलब लेना देना नहीं है। अरे TA वाले में करवा दे रहे हैं यार, यहीं बैठे बैठे लड़के को भेज दे रहे हैं चला जा रहा है, युवा अगर बोलेगा लाठी पा रहा है, गवर्नमेंट कोई सुन नहीं रही, एकदम जो बड़ा सन्नाटा है।